हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने घर का स्मार्ट मीटर हो या तो फिर किसी का भी स्मार्ट मीटर का चुटकियों में बिजली बिल कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस बताने वाले हैं जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो चुटकी बजाते ही आप लोग अपना स्मार्ट मीटर का बिजली बिल चेक कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग भी अपना स्मार्ट मीटर का बिजली बिल चेक करना चाहते हो तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब पर जब भी लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम जानते हैं अपना बिजली बिल कैसे चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो को आगे की तरफ ले जाने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपके बिजली यानी कि बिजली विभाग है उसमें आपका मोबाइल नंबर गलत ऐड है या तो फिर आपका मोबाइल नंबर जो पुराना था वो टूट गया है, फूट गया है और आपको चेंज करना हो मोबाइल नंबर और आप लोगों को चेंज नहीं करने आता है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर चेंज कैसे किया जाता है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर के चेकआउट कर सकते हो कैसे मोबाइल नंबर चेंज किया जाता है, उस वीडियो को चेक करते हो तो आप लोग चुटकियों में अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर पाओगे, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। तो चलिए हम जानते हैं कैसे अब हम अपना मोबाइल का यहाँ पे बैंक यानी कि ये बिजली का बैलेंस चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बैलेंस चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, वो एप्लीकेशन ये वाली है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग इसको डायरेक्टली जा करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, बट इस टाइप का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। देखो ये वाला भी एप्लीकेशन है सेम टू सेम, और एक ये वाला भी एप्लीकेशन है सेम टू सेम, और देखोगे तो ये वाला एप्लीकेशन है, यानी कि तीन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। तो इसी के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग लिंक के थ्रू आप लोग लीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद परमिशन वगैरह फर्स्ट टाइम आपको मांगा जाएगा, तो परमिशन अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है एंड आपको नेक्स्ट आइकन शो करेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड आपको डन आइकन पर क्लिक कर देना है। डन आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करने लगेगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी भी मांगता होगा और पासवर्ड भी मांगता होगा, लेकिन आपको कस्टमर आईडी पासवर्ड देने से पहले आपको ये अकाउंट साइनिंग करना होगा। तो आपको अगर साइनिंग करना है तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन का अकाउंट बनाना है और आप लोग बना लेते हो तो लाइफ में आपको बहुत बढ़िया रहेगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप लोग बना लोगे वो भी बेटर होगा। तो अगर आप लोगों को इसका अकाउंट नहीं बनाने आता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन का अकाउंट बनाने का तरीका बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को जाकर के वॉच करते हो तो आप लोग भी आसानी से इस एप्लीकेशन का अकाउंट बना सकते हो। अभी हम फिलहाल के लिए जानते हैं कैसे बिजली बिल चेक करना है, शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखो दोस्तों, शॉर्टकट तरीका से चेक करना है तो नीचे रिचार्ज बिल और पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर आईडी मांगा जाएगा। अब कस्टमर आईडी आप लोग कहाँ से लाओगे ये चीज़ भी आप लोगों को बता देते हैं। देखो दोस्तों, आपके घर में जो भी स्मार्ट मीटर लगाया होगा उस स्मार्ट मीटर के ऊपर आपको कस्टमर आईडी लिख दिया रहता है रेड कलर के मार्कर से या तो फिर ब्लैक कलर के मार्कर से। अगर वहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आपका कभी भी रीडिंग हुआ होगा, पहले आपका बिजली बिल आता होगा तो उस बिल पर आपको CA नंबर के नाम से आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो हम अपना यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, आप अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, 11010। अरे अच्छा, यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, पूरा हिस्ट्री यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, ये किस नाम से है, कितना रुपया है, कौन सा मोबाइल नंबर इसमें ऐड है, कौन सा जीमेल ऐड है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। सबसे ऊपर आपको कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाता है, उसके नीचे देखोगे तो जीमेल आईडी देखने के लिए मिल जाता है, उसके नीचे देखोगे तो नेम देखने के लिए मिल जाता है, उसके नीचे देखोगे तो मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग का मोबाइल नंबर गलत है तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आपका कितना पेमेंट ड्यूज है, बाकी है, या तो फिर आप लोग कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किए हो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आपके ऊपर ये पेमेंट बाकी होगा तो आपको यहाँ पे माइनस में शो करेगा, अगर आपका पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट होगा तो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, तो मेरा 564.65 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट है तो यहाँ पे इस प्रकार से शो कर रहा है, नहीं तो मेरा माइनस में रहता तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहता। ठीक है, अगर आप लोग रिचार्ज करना चाहते हो तो नीचे देखने के लिए मिलेगा रिचार्ज का ऑप्शन, तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग रिचार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग अपना स्मार्ट मीटर का ये जो पेमेंट है उसको चेक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब पर जब भी लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।